जहां देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, वहीं अब नया वायरस लोगों को डराने लगा है। यमुनानगर में H3N2 इन्फ्लुएंजा वेरिएंट के 5 संदिग्ध केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जहां अलर्ट मोड पर आ गया है, वहीं विभाग द्वारा लोगों से भी मास्क पहनने के साथ साथ अन्य सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को सलाह दी है कि 2 दिन से अधिक खांसी रहने पर वह योग्य डॉक्टर से परामर्श करें। उन्होंने चेतावनी दी कि लोग अपने आप कोई दवाई ना खाएं, विशेषकर एंटीबायोटिक दवाई लेने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं, हालांकि लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पास सारे इंतजाम है तथा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वह हाथ मिलाने से परहेज करें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। जी, हमने 5 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए हैं और जो हमारी IDSP की टीम है उसको सैंपल पंचकुला भेजने की तैयारी कर रही है। कॉमन कोल्ड है, ये लंबा चल रहा है, तो इन्फ्लुएंजा ही है। इसको इन्फ्लुएंजा ये होता है कि जैसे आम वायरल में तो 2-3-4 दिन में बंदा ठीक होता है, ये थोड़ा प्रोलॉन्ग चलता है। खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी, आवाज़ का बंद हो जाना, कई जो जिनको ज़्यादा संक्रमण हुआ है उनकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है 2-3 दिन के लिए, और खांसी रहती है लगातार कई दिन प्रोडक्टिव कफ। तो ऐसे में बिना डॉक्टरी सलाह के मैंने देखा कि लोग बिना बात के एंटीबायोटिक ले जा रहे हैं इस बारे में ना, तो इसमें कोई एंटीबायोटिक वगैरह की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरह का दवाई से परहेज करें। अरे हाइड्रेशन, पानी का ज़्यादा प्रयोग करें, लिक्विड तरल पदार्थों का जब बुखार होता है तो, और बिना बिना किसी प्रिकॉशन इसकी सलाह के, डॉक्टर की सलाह के, किसी सलाह के बिना अपने आप से कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। हमारे MLDC में 10 बेड का है, बाकी हमने सभी संस्थाओं में बोल दिया है कि कम से कम 10 आइसोलेशन वार्ड हो, 10 आइसोलेशन बेड CIC लेवल तक तैयार करके रखें।